नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस। याद रखना है जब भी क्वेश्चन करना है तो मेन फ्रेज को अंडरलाइन कर लीजिए, यहां इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। क्यों? आपका सबकॉन्शियस माइंड में से तब उस फोकस्ड वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से वर्किंग या शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है जब इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हो। जब आपने इंटेलिजेंस के बारे में सोचा, साथ में ही एकदम सोच लीजिए आपके सिलेबस में कौन सी इंटेलिजेंस है। यह बहुत बड़ा क्लू है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्यों? अगर जो थ्योरी आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन का आंसर उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। ये आज तक जितने भी सीटेट के क्वेश्चनों को एनालाइज किया है तो वो उसके इर्द गिर्द ही घूमे हैं। तो इंटेलिजेंस को सबसे पहले फोकस करेंगे। यहां थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उन्होंने बढ़ाने की कोशिश किया क्योंकि चार डेफिनेशन हमें दी है, चार डेफिनेशन में से हमसे बेस्ट डेफिनेशन इंटेलिजेंस की ढूंढनी है। पहला डिस्ट्रक्टर बहुत अच्छा बनाया है जिसने बनाया है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन ए कन्वर्जेंट मैनर। पिछली वीडियो में भी हम लर्न करके आए हैं कि कन्वर्जेंट मैनर क्या है। दो मैनर्स है सोचने के, एक ये सोच रहे हैं, एक ये सोच रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछले, उसमें तीन गुना दो क्या होते हैं। जब तीन गुना दो हुए तो इनकी मेंटल एनर्जी सिर्फ तीन गुना दो को बेस्ट आंसर मतलब फाइंड आउट करने में फोकस हो गई, किसी और तरफ इधर या इधर नहीं जा रही एनर्जी। ओके, तो जब इनसे यह पूछा गया था कि तीन गुना दो को कितने वे से इनका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, कितने डिफरेंट मैनर से इनको सॉल्व किया जा सकता है, तो अब ये इधर भी सोच रहे हैं, डाइवर्जेंट न्यू वे, डिफरेंट वे, और डिफरेंट वे, और डिफरेंट वे, और डिफरेंट वे। अब जो है कन्वर्जेंट नहीं, यहां पर डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज हो रही है जो क्रिएटिविटी का बेस है, क्रिएटिव थिंकिंग का बेस है। तो यहां उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन कन्वर्जेंट मैनर। हाँ, ये कभी डेफिनेशन का पार्ट था, लेकिन जब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, एक मिनट इनको उड़ना होगा, यहां जाएंगे ये डेफिनेशनों की। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफर्ड की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जब आई तो उन्होंने 120 फैक्टर्स बताए। वो फैक्टर्स 120 को डिवाइड कैसे किया? तीन डायमेंशन थी, कंटेंट, प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सीटेट में आए भी हुए हैं इसके क्वेश्चन। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है फैक्टर थ्योरी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटैक करना था जल्दी, तो जल्दी जल्दी पायलट सिलेक्ट करके एक हफ्ते में ट्रेनिंग दे के उनको जहाज पर भेजना था, तो गिलफर्ड को अपॉइंट किया गया, कोई ऐसा टेस्ट बनाओ कि हम सेलेक्ट जल्दी जल्दी अच्छे अकॉर्डिंग टू अवर एम पायलट के लिए सेलेक्ट कर सके। तो उस एफर्ट्स में ये थ्योरी सामने आई थी। उनमें एक जो ऑपरेशन है, जैसे देखिए कॉग्निशन है, मेमोरी है, मेमोरी मतलब पिछली इंफॉर्मेशन आप बाहर लाते हो, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन लिखा है, एवेल्युएशन लिखा है। अब तक कन्वर्जेंट प्रोडक्शन या कन्वर्जेंट थिंकिंग पार्ट था इंटेलिजेंस का, लेकिन गिलफर्ड की इस थ्योरी के बाद, ये देखिए ध्यान से, यहां से मैं अंडरलाइन करूंगा इसको क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस में क्रिएटिव थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग को किसने इंपॉर्टेंस दी? गिलफर्ड ने दी थी, SOI, सोई में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी में। जब ये इन्होंने फंडामेंटल थ्योरी इंटेलिजेंस में डाइवर्जेंट थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग को पार्ट बना दिया, इट मींस कि फिर आप डेफिनेशन में, ये देखिए डेफिनेशन में कन्वर्जेंट थिंकिंग को शामिल नहीं कर सकते। दैट इज वाई फर्स्ट रिजेक्ट हो जाता है, ये डेफिनेशन थी लेकिन अब ये डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अब अंडरलाइन करेंगे इनको समझने के लिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है। ए परमानेंट चेंज नंबर एक।
इन द बिहेवियर, यहां थिंकिंग की बात हो रही है, याद रखो इंटेलिजेंस का काम थिंकिंग से रिलेटेड है के बिहेवियर से, ओके पहले थिंकिंग से है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। नंबर एक, एक्सपीरियंस को हमने अंडरलाइन किया, इंटेलिजेंस लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड लेस बाय एनवायरमेंट। नो डाउट एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि एनवायरमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर इंटेलिजेंस लेवल। जैसे वाटसन ने एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी थी कि आप मुझे एक दर्जन हेल्दी इन्फांट छोटे बच्चे दो और 20 साल बाद अगर आप चाहोगे तो वो डॉक्टर होगा, अगर आप चाहोगे तो वो भिखारी होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे को एनवायरमेंट ऐसा दूंगा कि वो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, उस अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो हेरिडिटी वाले कह रहे हैं कि नहीं, जीन्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कैरियर ऑफ हेरिडिटी जीन्स। ये क्वेश्चन भी आता है, उसका आंसर जीन्स होता है जब कैरियर ऑफ हेरिडिटी, यूजीसी नेट में भी आ चुके हैं। अच्छा, तो ये जीन्स हैं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है जिससे हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट एक हद तक इंटेलिजेंस को बढ़ा या कम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्या वो क्या है? हमारे पास एमआर बच्चे जो होते हैं, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, जिनको पहले मेंटली रिटार्डेड बोला जाता था। तीन तरह के मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सॉरी, सीएमआर, कस्टडियल मेंटली रिटार्डेड, टीएमआर, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, देन ईएमआर, एजुकेबली मेंटली रिटार्डेड। अब मेंटली चैलेंज बोलते हैं, जो ईएमआर होते हैं उनका 75 से आईक्यू कम होता है, वो 7th क्लास तक उनको टीच किया जा सकता है। ये सारे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखना ये सारी इंफॉर्मेशन आपके कई क्वेश्चन में काम आनी है। अच्छा, अब हेरिडिटी एनवायरमेंटलिस्ट के लिए चैलेंज है कि क्या सीएमआर को टीएमआर बनाया जा सकता है, क्या टीएमआर को ईएमआर बनाया जा सकता है, क्या ईएमआर को जो नॉर्मल या बिलो एवरेज वाले इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें शामिल किया जा सकता है, क्या नॉर्मल वालों को अबव एवरेज इंटेलिजेंस उनकी की जा सकती है? नहीं, आज तक कोई भी एमआर को हम नॉर्मल नहीं कर सके। दैट इज व्हाई इंटेलिजेंस इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। तो इधर क्या है, रिजल्ट ड्यू टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन एनवायरमेंट, दिस वन एक्चुअली कुछ नहीं है, ये लर्निंग की डेफिनेशन, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है लर्निंग की डेफिनेशन हूबहू उठा के यहां रख दी है, लर्निंग की जहां पर रिप्लेस कर दिया है इंटेलिजेंस को, क्योंकि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ओके, तो इंटेलिजेंस इतनी ऐसे चेंज नहीं होती, इंटेलिजेंस डिटरमाइंड लार्जली बाय हेरिडिटी, ये बात कर ली है हमने। ये डेफिनेशन आप देख भी सकते हो, यहां होगी, ये रही डेफिनेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और लर्निंग का कंसेप्ट लर्न करने के लिए इवन इसे बेस्ट डेफिनेशन में भी रखा जा सकता है, जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन लर्निंग की है। तो इसमें एक्सपीरियंस की बात है, उस डिस्ट्रक्टर में, डिस्ट्रक्टर मीन रॉन्ग आंसर, तो उसमें जो बड़े अच्छे क्लेवरनेस के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया है, गुड क्वेश्चन है। थर्ड इज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी दैट हेल्प टू प्रेडिक्ट। यहां पर किसको हम अंडरलाइन करेंगे, मेन वर्ब सबसे पहले आपको अंडरलाइन सर्कल करना है, प्रेडिक्ट। क्या इंटेलिजेंस प्रेडिक्ट करती है? अगर करती है तो क्या गुड पर्सन इन पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए करती है? याद रखना है इंटेलिजेंस जनरली जनरल लाइफ के लिए प्रेडिक्शन करती है, ठीक है। जब पर्टिकुलर प्रोफेशन आ जाता है, एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग, अब टीचिंग प्रोफेशन पर्टिकुलर एग्जांपल हो गई। दूसरा आप ले लीजिए इंजीनियरिंग, आप आगे लायर या और कोई बिजनेसमैन, क्लर्क, बैंक, कोई स्पेशल प्रोफेशन आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। यहां सिंप्लिसिटी रखने के लिए हम दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक। क्या कोई ऐसा एबिलिटी हमारे शख्स है ये इनमें
कौन सी ऐसी एबिलिटी है, मान लीजिए एबिलिटी वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक। तो ये एबिलिटीज क्या, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन अच्छा है, एम्पथी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रीडिंग लर्निंग में इंटरेस्ट है, तो ये एबिलिटी किसके काम आ रही है ज्यादा, टीचिंग के। इट मींस कि कोई वो खास एबिलिटी जो किसी विशेष प्रोफेशन में सक्सेस हासिल करने के लिए चाहिए, उसे क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड पर भी क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड हमेशा याद रखना, सक्सेस इन ओके दोज एबिलिटीज, नंबर एक विच कैन टॉक अबाउट सक्सेस इन स्पेसिफिक प्रोफेशन, वो प्रोफेशन कोई भी होगा। दैट इज वाई आपके हर जब भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो टीचर बनने के लिए होता है तो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्लर्क के लिए क्लर्क एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इट मीन्स याद रखना है एप्टीट्यूड हमेशा स्पेसिफिक प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो ये एप्टीट्यूड की देखिए हो गई डेफिनेशन, ये लर्निंग की हो गई, और ये जो है इंटेलिजेंस की ही डेफिनेशन पुरानी उठाई है लेकिन नई डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, लास्ट देखते हैं, वैसे आंसर पर पहुंच चुके हैं। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपके सिलेबस में क्या है, सिलेबस में थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसको याद रखना है। अगर कोई भी यहां पर काम नहीं हो रहा रीजनिंग से तो इस नुक्ते से काम आप ले सकते हो, मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज, नॉट एंटायरली मेजरेबल। याद रखना है कि जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्ट थे वो मेजरमेंट पर जोर देते थे, मेजरमेंट मीन नंबर्स में बच्चे के स्कोर बताए जाते हैं कि आपका, जैसे मैंने यहां बताया था कि EMR जो है उनका 75 से IQ, जब 75 बोला तो ये जो बातें हैं ये नंबर्स हैं, इसको मेजरमेंट बोल रहे हैं। मेजरमेंट जब भी शब्द आए आप नंबर सामने ले आओ, ठीक, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट सामने ले आओ। मल्टी डायमेंशनैलिटी जो इस क्वेश्चन की एक ऑप्शन में आई है उसका ये मतलब हुआ कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसकी डायमेंशंस कई हैं। वैसे जे अगर इंटेलिजेंस की आपने यहाँ मेरे पास है भी, हाँ अगर ये देखनी हो, ये थॉर्नडाइक ने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई थी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये फंडामेंटल रूट थ्योरी है ऑफ इंटेलिजेंस, जिनमें से इमोशनल इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल उसका उसकी डेवलपमेंट हुई है। और जो लेटेस्ट अप्रूव्ड थ्योरी है हमारे सिलेबस में मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो गार्डनर ने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिनको ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, याद रखना है ये जो है वर्ड और ये दोनों ट्रेडिशनल इंटेलिजेंसेज हैं, इस पर भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मेजर की जा सकती थी। लेकिन बाकी जो हैं नई इंटेलिजेंस गार्डनर ने दी है वो मेजर नहीं की जा सकती। हाँ बेशक अब उन पर स्केल बनने लगे हैं, टेस्ट बनने लगे हैं, लेकिन गार्डनर के अनुसार उससे रियल सिचुएशंस में पेरेंट्स को, टीचर को, बच्चे की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके असेस किया जा सकता है। और तो ये लास्ट ऑप्शन यू नो इज, थैंक यू।